मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भाई बहन के रिश्ते का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन आज मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है और बदले में भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। दोनों एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाकर मुबारकबाद भी देते हैं। मगर इसी तरह से नेताओं के रक्षाबंधन की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र भाट को मुमरा शहर की कई मुस्लिम महिलाओं ने राखी बांधी है और उनकी लंबी उम्र की कामना भी की है। ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, एनसीपी विधायक जितेंद्र भाट के कलाई पर राखी बांधते हुए। बताया जा रहा है कि मुमरा शहर से कई मुस्लिम महिलाएं जो जितेंद्र भाट को अपना भाई मानती हैं और उन्हें इस रक्षाबंधन के मौके पर उनकी कलाई में राखी बांधी है। जितेंद्र भाट ने भी कहा है कि हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर रहना चाहते हैं, मगर कुछ राजनीतिक खेल की वजह से इनमें दूरियाँ हो जाती हैं। जितेंद्र भाट ने क्या कुछ इस रक्षाबंधन के मौके पर कहा है, आपको सुनाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने आपको राखी बांधा से आई, ये अपनापन है। कोई भी त्योहार में आप जात धर्म से लोगों को बाजू में नहीं निकाल सकते। बड़े प्यार से आई, वो रक्षाबंधन किया। ये प्यार अपने अपनापन हमको समाज में सभी तरफ देखने को मिलता है। ये तो सिर्फ सियासत है जो इनको अलग किया जाता है। ये द्वेष की राजनीति जो समाज में बढ़ रही है उसको कम करने का होगा तो ये सब जो किया जाता है, हम लोग कर रहे हैं, वो और बड़े पैमाने पर करना चाहिए। ऐसा वो दिखावा करने के लिए ही सब कर रहे हैं, उनको कुछ सीधा मजबूत काम करना ही नहीं है। अभी नर्सेस लगने वाली नहीं है क्या, तो क्यों गुमराह करके 6 महीने के लिए टेम्पररी कर रहे हो? ये सब नौटंकी है, बाकी कुछ भी नहीं है। लोग मरते रहे, लोग जिंदा रहे, कुछ नहीं। हमको पालक मंत्री कब कभी मिलेगा, हमारी फाइलें कौन क्लियर करेगा, हमको कितना निधि मिलेगा, उसके ऊपर सब ध्यान है, बाकी कुछ नहीं। अब उसके ऊपर क्या बोला जाए, शर्म की बात है और क्या बोले।